नमस्कार दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थानी कैर का अचार। ये अचार खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना भी बेहद ही आसान है। कैर के अचार को घर में बच्चे बड़े सभी बेहद पसंद करते हैं। चाहे रोटी हो, पराठा हो, पूड़ी हो या दाल चावल हो, सभी के साथ ये बेहद स्वादिष्ट लगता है, या यूं कहें स्वाद को चौगुना कर देता है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं इस अचार को कैसे और किन किन सामग्री के साथ किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, ये कैर है, इसे टीट और टैटी के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिनली ये हरे रंग की होती है और बेहद कड़वी होती है, लेकिन इसे 8 दिन तक पानी और नमक में भिगो के रखा जाता है। बीच बीच में पानी को और नमक को चेंज करते रहते हैं। 8 दिन के बाद ये कैर खट्टी हो जाती है, उसके बाद इसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इसमें बड़ी और छोटी सभी तरह की कैर हैं। इसमें से हम बड़ी बड़ी कैर को छांट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि इसका अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और उन बड़ी कैर से मैंने अभी 2-3 दिन पहले राजस्थानी कैर की सब्जी नाम से एक वीडियो डाला है, आप उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बड़ी बड़ी कैर अलग करने के बाद ये छोटी और मीडियम साइज़ की कैर बची हैं। इन्हें हम एक सूती कपड़े पर 3-4 घंटे के लिए पंखे के नीचे फैला देंगे, ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम उसका अचार डालेंगे। लगभग हमारी 700 ग्राम कैर है, उसके लिए 4 टेबल स्पून दाना मेथी, 2 टेबल स्पून मोटी सौंफ, 1 टेबल स्पून हल्दी, 6 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हमने ये कलौंजी ली है। 10 लौंग और 1 चम्मच काली मिर्च को हम क्रश करके अचार में डालेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच हम हींग लेंगे। ये 1 लीटर सरसों का तेल है। अचार सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, लेकिन हमारे कैर के अचार में लगभग 0.5 लीटर तेल खर्च होगा। वैसे तो मैं सभी अचार कच्चे तेल में डालती हूँ, लेकिन कैर में मॉइस्चर बहुत होता है, इसलिए मैंने सरसों के तेल को बस हल्का गर्म किया है। उसके बाद फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हींग डाल दीजिए, साथ में हल्दी डाल दीजिए और दाना मेथी डालिए, सौंफ डाल दीजिए और जीरा डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, सरसों के तेल को धुएं निकलने तक गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गर्म करना है, ताकि हमारी कैर का मॉइस्चर निकल सके। इससे ज़्यादा बिल्कुल गर्म नहीं करना है। अब इसमें कैर डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसमें कलौंजी, कुटी हुई लौंग काली मिर्च, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसे किसी साफ कपड़े या जाली से ढककर जब तक पूरी तरह से ठंडा होता है, तब तक के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए। देखिए, कैर का अचार पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे हम किसी कांच के कंटेनर में भर के रखेंगे। देखिए, ये कांच का बोतल है, साफ धो करके हमने धूप में सुखा लिया है। अब इस अचार को हम इसमें भर देंगे। कैर के अचार को हमेशा तेल से ढक के रखना होता है, क्योंकि कैर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने इसको बिल्कुल तेल से ढक के रखा है। अब इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और 8 दिन के लिए इसे छोड़ दीजिए। हम आपको 8 दिन बाद इसे दिखाएंगे कैसा लगता है। 8 दिन बाद देखिए, हमारा कैर का अचार कुछ ऐसा लगता है। वैसे तो अचार पूरी तरह से तैयार होने में 40 दिन लगते हैं। देखिए, मैं आपको एक डोंगे में निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए, कैर का अचार कितना देखने में अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये उतना ही स्वादिष्ट होता है। 40 दिन में सभी मसाले अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो अचार खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। तो इस स्वादिष्ट अचार को आप भी बनाइए और अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।